एमपी और राजस्थान से होते हुए प्रयागराज अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर फर्जी न्यूज बना हुआ है, एक्सक्लूसिव जानकारी रूट से बाबत भी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि साबरमती जेल से लेकर अतीक को निकल चुकी है प्रयागराज पुलिस, यूपी पुलिस, जो कई टीमें यहाँ पर पहुंची थी। डॉक्यूमेंटेशन का काम ज्यादा वक्त का था, इसलिए खत्म होते ही किसी भी तरह की देरी नहीं की गई है। 3 वैन बनाई गई हैं जिसमें अतीक को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी पुलिस। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो काफिला है वो निकल चुका है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। ये दूसरी वैन आप देखिए तस्वीर में आपको नजर आएगी, जो रूट है वो पूरी तरह से क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अब तक की अपडेट ये है कि कैसे जो सफर है ये पूरा होगा और इसमें कितने स्टॉपेज होंगे बीच में ये भी तय हो चुका है, लेकिन इसे लेकर कोई भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है पुलिस सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि इससे पहले जब वो लेकर आई थी तब तक दोषी करार नहीं दिया गया था, अतीक सजा नहीं दी गई थी, लेकिन अपहरण मामले में फिर उम्र कैद की सजा हुई। इस वक्त वो एक अपराधी है, एक दोषी है, अब उसको दूसरे केस में जब लेकर आ रही है यानी दूसरे वारंट के तहत, तो अब सुरक्षा के और जो खुफिया इनपुट है उनके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऑन टाइम प्रयागराज अतीक को पहुंचाया जाए। तो फिलहाल एक तरह का भी जॉइंट ऑपरेशन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि साबरमती जेल से उसे लाया गया तो वहां की जो पुलिस है अपने राज्य के दायरे तक पूरी सिक्योरिटी के साथ उस रूट पर तैनात रहेंगी, तमाम टुकड़ियां पुलिस की, गुजरात पुलिस की भी, जब तक दूसरे राज्य में एंटर नहीं हो जाता। और फिर उनके जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते हुए हेलो, हाँ